हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल कुमार। स्वागत है आपका सिविल टेक यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्व ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व ब्लॉक होता क्या है। कर्व ब्लॉक एक तरह से एक स्पेसर होता है जो कि शटरिंग प्लेट और सरिये के बीच में लगाया जाता है। जनरली कर्व ब्लॉक को कंक्रीट का बनता है और पीवीसी का भी हम काम में लेते हैं। कवर ब्लॉक कंक्रीट कास्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज कॉलम, बीम और स्लैब किसी भी स्ट्रक्चर में यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर कवर ब्लॉक का यूज नहीं किया तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। कवर ब्लॉक को रेबार और शटरिंग के बीच में एक स्पेस करने के लिए लगाते हैं। यह शटरिंग और सरिये के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेंटेन करता है, जिससे कंक्रीट को अच्छे से फिल किया जा सके, ताकि अपना सरिया बाहर ना दिखे। इसे कोरोजन नहीं होता है। कवर ब्लॉक को रेबार में कोरोजन को अवॉइड करता है। कवर ब्लॉक को साइट पर भी हम बना सकते हैं, जिसको हम हैंडमेड कवर बोलते हैं, जो कि कंक्रीट या फिर सीमेंट मोर्टार का बनता है। यह मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सी साइज का कवर ब्लॉक हम कहाँ यूज करते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइट पर काम करवाना है तो इस बात का पता होना ज़रूरी है कौन सी साइज का कवर ब्लॉक कहाँ यूज़ करना है। जनरली स्लैब में हम 20 mm का कवर ब्लॉक काम में लेते हैं, बीम में 25 का, कॉलम में 40 mm, फुटिंग में 50 mm, स्टेयरकेस में 15 mm और चेयर वॉल में 25 mm का कवर ब्लॉक काम में लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह कवर ब्लॉक के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।